दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से भारत पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी भारत पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिएगा किस तरह से भारत पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपने यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। आपको यहाँ पर भारत पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्च बॉक्स का। सिंपली से क्या करना है, सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है भारत पे। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ तो मैं क्या करना है उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको भारत पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि इसका रेटिंग का बात करें तो 4.6 का रेटिंग है। और इसका डाउनलोडिंग का बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 10 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। तो आपको भी डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन दिख जाएगा। सिंपली से क्या करना है, इंस्टॉल को क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में यह इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुल। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ओपन का बटन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके बाद चलिए मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आकर दिखाता हूँ कि मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो मुझे यहाँ से बैक हो जाना है और जैसे मैं यहाँ पे बैक होऊंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भारत पे एप्लीकेशन, यानी कि मेरा भारत पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है मेरे मोबाइल में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने भारत पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना सीख लिए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।